प्यारे बच्चों, आज हम आपको आवेश की क्वांटम प्रकृति के विषय में बताएंगे। प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता। यदि हम किसी आवेशित वस्तु, कण या आयन के आवेश को नापें तो उसका आवेश सदैव ई के गुणज में होगा, अर्थात ई, दो ई, थ्री, फोर ई आदि। ये मान कभी भी ई बटा दो, ई बटा थ्री, ई बटा चार या पॉइंट टू फाइव ई, पॉइंट सेवन ई, पॉइंट नहीं हो सकता। अर्थात वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, या परमाणुकता कहते हैं। तो हमने ये देखा कि आवेश जो है वो ई, टू ई, थ्री, फोर ई रूप में ही वस्तुओं पर या कणों पर या आयनों पर मिलता है। इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये आवेश की क्वांटम प्रकृति है। अब आइए, कल हमने आपको कूलाम की परिभाषा बताई थी, एक कूलाम की। आज हम आपको कूलाम के नियम को समझाएंगे। समझते हैं कूलाम का नियम। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर ये प्रतिपादित किया कि दो विपरीत या समान आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो लिखते हैं इसको, इस नियम को पहले। तो देखिए, कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों कहा गया? कि यदि समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण होगा। तो इसलिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कहा गया। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सेम। चलिए अनुक्रमानुपाती लिख देते हैं। अनुक्रमानुपाती तथा इनके
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की के अनुदिश होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। ये Q1 है और ये Q2 है और इसके बीच की दूरी ER दो, ठीक है। अब क्या होगा बल इसका? F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब समानुपाती का निशान हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो अब देखिए क्या आएगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ K एक नियतांक है, अनुपातिक स्थिरांक है। यहाँ K एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसका मान माध्यम तथा आवेश दूरी व बल के मात्रक पर निर्भर करता है। माध्यम आवेश दूरी तथा बल के मात्रक पर निर्भर करता है। जब हम आवेश को कूलाम में और बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में लेते हैं और माध्यम निर्वात, तब इसका मान जब हम माध्यम निर्वात या वायु बल का मात्रक न्यूटन दूरी का मात्रक मीटर तथा आवेश का मात्रक कूलाम लेते हैं तो के बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम और R इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, तब F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 9 × 10⁻⁹ × 1 × 1/1 बराबर हो गया 9 × 10⁻⁹, ठीक। इसलिए 1 कूलम आवेश, अब इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। अतः 1 कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षित करेगा, और अलग अलग हैं, विपरीत दिशा के हैं, तो आकर्षित करेगा, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, अतः एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहार में हम माइक्रो कूलाम का प्रयोग करते हैं। तो 1 माइक्रो कूलाम क्या होता है, लिख रहे हैं इसमें 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलाम, या 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁶ सी। यदि विद्युत आवेश निर्वात में स्थित हो तब सुविधा के लिए हम K को 1/4πε₀ लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1/4πε₀ यदि आवेश निर्वात में स्थित है, तब सूत्र क्या रिड्यूस हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो और क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर न्यूटन। एप्सिलॉन ज़ीरो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। यहाँ लिखे जाते हैं एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता तो ये समझ में आया आपकी। आज बस इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।